ये जो स्पेशल समरी रिवीजन 27 अक्टूबर 2023 से अभी 22 जनवरी 2024 तक चली है, उसका ये खाका है कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रारूप मतदाता सूची में जो कि 27 अक्टूबर को था, उसमें कुल मतदाता हम लोगों के 5,10,866 थे, और आज आप फाइनल लिस्ट जब देखेंगे तो उसमें 5,27,807 मतदाता जुड़े हैं, जो दर्शाता है कि लगभग 17,000 मतदाताओं को जोड़ा गया है। इसी सिलसिले में आगे हम लोग देखेंगे कि जो मतदाता सूची है उसके शुद्धिकरण के लिए कितना काम हुआ है, कितने लोगों का नाम विलोपन किया गया है, और कुछ जो चेंजेस हैं, जो प्रपत्र 8 भरा जाता है कि कुछ उनके नाम में परिवर्तन है, उसमें भी जो काम हुआ है वह भी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन मुख्य बिंदु ये स्पेशल समरी रिवीजन का यही है कि लिंग अनुपात हम लोगों का बहुत एडवर्स था, 918 लिंग अनुपात मतदाता सूची का था, और जिले का लिंग अनुपात 928 है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये 924 हो गया है, इसमें 6 अंक की वृद्धि हुई है, और मतदाता सूची ये फाइनल है, किंतु फॉर्म 6 का काम चलता रहेगा। यदि फिर भी कोई छूटा है तो ये कार्य लगातार चलेगा, और जो सप्लीमेंट्री सूची होगी उसमें वो लोग भी उसके आधार पे वोट दे पाएंगे। तो हैं इसी प्रकार से जो निर्वाचक जनसंख्या अनुपात है, यह भी 0.58 से 0.6 हो गया है, जो कि एक आइडियल फिगर है, यही होना चाहिए। तो इसमें सभी एज ग्रुप में अक्रॉस जो एज कोहोर्ट है सब में वृद्धि हुई है जितनी होनी चाहिए थी, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। युवा मतदाता हम लोगों का टारगेट ग्रुप था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार बहुत जोर था कि निर्वाचन प्रक्रिया में जब तक युवा मतदाता नहीं आते, फर्स्ट टाइम वोटर्स नहीं आते, तो लोकतंत्र को और मजबूत होने में कठिनाई होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसमें काफी काम किया गया, और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 1,036 वोटर थे प्रारूप मतदाता सूची में, जिनकी संख्या आज 8,471 हो गई है। तो 0.12% से हम लोग 1.6% चले गए हैं, और ये पूरे बिहार राज्य में एक बहुत अच्छा फिगर है। अरवल जिला टॉप 5 जिलों में इसमें आ रहा है। इसके आगे आप लोग देखेंगे कि नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों विधानसभा में कुल मिलाकर के 23,037 वोटरों का नाम ऐड हुआ है। इसके अतिरिक्त नाम विलोपन की प्रक्रिया, जो व्यक्ति मृत हो चुके थे या जो परमानेंटली यहाँ से चले गए हैं, डबलिंग है नाम की, उनका नाम हटाया जाना जरूरी था ताकि वोटर टर्नआउट हम लोगों का अच्छा हो। तो इसी परिस्थिति में 6,221 नाम विलोपन भी हुए हैं। आपको पुनः दोहरा दें कि हाउस टू हाउस सर्वे जो सितंबर के दौरान हुआ था, सितंबर 2023, उसमें लगभग 11,000 नाम हटाए गए थे, उसमें विशेषकर 7,000 लगभग ऐसे व्यक्ति थे जो कि मृत हो चुके थे लेकिन मतदाता सूची में हो, जो एक्चुअली वोट दे सकते हैं, जो एक्चुअली अरवल में रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रपत्र 8 के माध्यम से संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके आलोक में 14,114 आवेदन प्राप्त है, जिन पर कार्रवाई की जा चुकी है। और युवा मतदाता, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 18-19 वर्ष के जो नाम जोड़ने हेतु प्रस्ताव थे वो लगभग 7,500 मिले थे, इसी के आलोक में हम लोग लगभग 8,500 युवा मतदाता फाइनली मतदाता सूची में ला चुके हैं। बैठक में आप लोग उपस्थित होंगे तो पीएससी डीएससी पे भी चर्चा हुई होगी कि कई बार डुप्लीकेशन हो जाता है, कई मतदाताओं का सेम फोटोग्राफ के लिए जो प्रक्रिया होती है वह भी हुई है, वो सब सम्मिलित है इसमें, उसमें भी इस जिले में अच्छा काम हुआ है। और फाइनली मतदाता केंद्र संख्या, हम लोगों का 555 बूथ था पिछले इलेक्शंस में, इस बार 3 नए बूथ ऐड हुए हैं, तो 558 टोटल बूथ हैं, और मतदान केंद्र भवन की संख्या 398 है। तो इन्हीं 558 बूथ पर निर्वाचन होगा, और इसमें कोई भी टेम्पररी बूथ नहीं है, कोई चलन बूथ नहीं है, सभी अपने अपने सरकारी भवन में अवस्थित।